Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start lecture number 26. Our topic is what the terrible Tikaru did. Khofnak Tikaru ne kya kiya tha? Unit number 4 hai hamare paas. Iske aaj hum question answer start karte hain. Question number 1 hamare paas hai. Why was Q walking from one end of Japan to the other? Japan ke ek sire se dusre sire tak Q jo hai paidal safar क्यों कर रहा था? The answer is Q was walking from one end of Japan to the other. Q जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर कर रहा था because क्योंकि he had no money, उसके पास रकम नहीं थी to buy a horse, एक घोड़ा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से वो जो है जापान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है वो सफर पैदल चल रहा था. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, what did Q क्यों ने क्या किया जो when people said that, जब लोगों ने कहा कि he could not sleep in their house, जब लोग कहते कि वह उनके घर के अंदर नहीं सो सकता तो क्यों क्या करता था. He requested to be allowed, he requested, वो रिक्वेस्ट करता था to be allowed to sleep, के वो से इसके in their barn, के वो से अपने बाड़े में सोने की ही इजाजत दे दे. If that was not granted to, अगर उसे इस पर भी इनकार हो जाता, इस चीज की भी इजाजत ना मिलती, ही स्लेप्ट, वो सो जाता अंडर अ ट्री, एक रख के नीचे, और इन अ केव, या किसी गार में जो है वो सो जाता था. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हाउ डू यू थिंक द वुमेन फेल्ट, आपके ख्याल में औरत ने कैसा महसूस किया व्हेन क्यू ड्रू आउट, जब क्यू ने जो है बाहर निकाला हिज डैगर, अपना खंजर उसने बाहर निकाला, तो औरत ने क्या फील किया. The answer is the woman felt frightened. औरत को खौफ महसूस हुआ, वो डर गई. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, What did Q keep saying? Q ये बार बार जो है क्यों कहता रहा डैट के he would have to do, के उसे वही करना होगा. What the terrible Tikaru did, जो कि खौफनाक Tikaru ने किया. The answer is he said this. उसने ही ऐसा कहा बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वो चाहता था टू स्केयर द वुमेन, क्योंकि वो उस औरत को खौफ जदा करना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा कहा. ही वांटेड हर, वो चाहता था कि टू थिंक दैट, वो चाहता था कि वो औरत जो है वो सोचे ही विल डू समथिंग, कि वो कुछ करेगी टेरिबल, खौफनाक, या खौफनाक कोई चीज जो है उसके साथ करेगा. टू आर इफ शी रिफ्यूज, अगर वो इनकार करती टू गिव हिम, उसे देने से फूड, खुराक एंड शेल्टर, पना, वो कहता चाहता था कि वो औरत सोचे कि वो इसके साथ कोई खौफनाक हरकत करेगा इस अगर इसने इसे खुराक और पना देने से इनकार किया, इसलिए बार बार वो जो है ये स्टेटमेंट बोलता था. ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मिलते हैं विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए आपको.